नमस्कार दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है एनसीईआरटी के 4.5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्नावली है, फोर पॉइंट फाइव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आइए देखा जाए। कहा जा रहा है कि ए और बी दो सेट दिए गए, दो आव्यूह दिया गया है। एक आव्यूह दो कोटि का, दो प्रश्न दो कोटि का दिया हुआ है, जिसमें 3140 है, और एक बी आव्यूह दिया गया है जो है 6879। ये दो क्रॉस दो का है, तो प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध करना है। तो चलिए आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पहले ए इंटू बी निकाला जाए, उसके बाद उसका इनवर्स निकालते हैं। बी इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, सभी निकालना है। तो पहले हम जो है ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी कैसे निकलेगा, तो ए इंटू बी के लिए 3140 और इंटू बी के लिए यहाँ पर लिखें 6879। ठीक है, अब हम यहाँ पर गुणा करते, तो देखिए 3 का गुणा 6 में होगा, तो 3 6 18, 1 का गुणा 7 में होगा, तो 1 7 3 7, फिर 3 का गुणा 8 में होगा, 8 के लिखे 24, 1 का गुणा 9 में होगा, तो 1 9 9। अब 4 का दूसरा ये पंक्ति लेंगे, तो इसका पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ से 4 गुणे 6 4 6 24, 0 गुणे 7 तो 0, फिर 4 गुणे 8 32 और 0 गुणे 9 तो 0। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी आ गया, कितना आया ए इंटू बी, तो हम देखेंगे कि 18 और 7 25 और 24 और 9 33, ये 24 ही रह जाएगा और ये 32 रहेगा। ये ए बी, अभी हमको ए बी का इनवर्स निकालना है। तो चलिए ए बी का इनवर्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले ए बी वन, ए बी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो हम डिटर्मिनेंट्स ए बी पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट्स ए बी निकालने के लिए पहले इसका गुणा इसमें होगा, तो 25 गुणे 32 और माइनस 24 गुणे 33, तो ये हो जाएगा 24 गुणे 33। ठीक है, 24 गुणे 33, तो इसका गुणा कर दीजिए। तो अब यहाँ पर हम गुणा करते हैं, 25 गुना के 50 और 25 3 75, 75 में 5 जोड़ देंगे तो 80, तो ये 800 हो जाएगा। फिर से देखिए 25 गुना के 50 को 0, 5 बचा, 25 3 75 में 5 जोड़ देंगे 80, माइनस ये 24 3 72, 72 को 2 बचा कितना 7, फिर 24 3 72, 72 में 7 जोड़ देंगे तो 79, ये 792। ठीक है, अब घटा दे इसमें से तो ये 8 आएगा, यानी डिटरमिनेंट से ए बी का मान कितना आया, 8 आया। अब हम एडजॉइंट ए बी ज्ञात करेंगे, तो एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए देखिए एडजॉइंट ए बी, तो डायरेक्ट लिखें एडजॉइंट ए बी। अब देखिए जब इसको ढकेंगे, इसको है ए बी जो निकल चुका है 24 33, तो इसको ढकेंगे तो ए वन बी वन आएगा, ए बी वन वन आएगा। ठीक है, तो इस कॉलम को और इस रो को ढकेंगे तो 32, और ये पहला है तो प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पर होगा 32। ठीक है, अब देखिए जब इसको ढकेंगे तो ये माइनस होगा ना, तो इसको ढकेंगे तो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि एडजॉइंट ए बी निकालना है, तो इसको हम ढक देंगे, इसको ढकेंगे। ठीक है, तो ए बी वन टू आएगा, तो ए बी वन टू में माइनस से गुणा होता है, तो ये 24, तो माइनस 24, इसका मतलब यहाँ पर माइनस 24 आएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको ढकेंगे यहाँ पर, तो इस रो को और इस कॉलम को 33 आएगा ना, और यहाँ माइनस आता है, तो इसका मतलब है कि ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस कितना आएगा, तो 33। अब देखिए इसको ढकेंगे इसको,
तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये 25, तो ये प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बी आ गया। अब जब एडजॉइंट ए बी आ गया तो हमें ए बी का इनवर्स निकालना है, ए बी इनवर्स। ए बी का इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, और फिर यहाँ पर एडजॉइंट ए बी लिखा जाएगा, ए बी लिखा जाएगा, क्यों? तो अब यहाँ पर एडजॉइंट ए बी तो ये पता ही चल चुका है, और ए बी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ गया है कितना, 8। तो हम यहाँ पर 8 लिख दें तो 1/8, और ये वैल्यू है यहाँ पर ये, ठीक है, 32 - 35, ये 24, और यहाँ पर 25। तो ये अब ए बी का इनवर्स आ गया, ठीक है, ए बी इनवर्स ही आ गया। अब हमको ज्ञात करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स ए इनवर्स के लिए पहले बी इनवर्स ज्ञात करना होगा, तो बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए और ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ए दिया गया है, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे, पहले डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू, तो इसका गुणा इसमें 0 और ये 4, तो -4 आएगा ना डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू, और डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू -4, और एडजॉइंट ए ज्ञात किया जाए, तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, तो यहाँ पर 1 आया, इसको और इसको ढकेंगे तो 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसको जब ढकेंगे तो इसको छोड़ना होगा, इसको छोड़ना होगा 4, तो -4, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। फिर इसको जब ढकेंगे तो इसको इसको छोड़ेंगे 1, तो यहाँ -1, और इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसको छोड़ेंगे 3, तो यहाँ पर आएगा 3, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। तब अब जो है हम लिखेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स लिखेंगे तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/8, और एडजॉइंट ए तो ये 0 - 4 है ना, तो यहाँ पर -4। अब ये हो जाएगा 0 - 1 - 4 - 3, ठीक है। इसी तरह हमें अभी बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बी। तो यहाँ पर हम देखेंगे बी के लिए, तो यहाँ बी, तो डिटरमिनेंट्स आप बी ज्ञात कर लें, तो डिटरमिनेंट्स आप बी ज्ञात करने के लिए ये 9 का गुणा 6 में, तो 6 * 9 = 54, ठीक है, और फिर 8 * 7 = 56, तो -56, तो ये कितना जाएगा, -2। तो डिटरमिनेंट्स बी का मान तो आ गया। अब एडजॉइंट बी ज्ञात करना है, तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एडजॉइंट बी हम निकाल रहे हैं, तो इसको ढकेंगे 6 को तो 9 बचेगा, तो यहाँ पर 9। अब 8 को ढकेंगे तो ये छूटेगा 7, तो -7। फिर इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ेंगे 8, तो यहाँ -8। इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ेंगे 6, तो यहाँ +6 आएगा, ठीक है। अब हम बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए 1/ डिटरमिनेंट्स ऑफ बी और एडजॉइंट बी, ठीक है, तो 1/ डिटरमिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू है -2, और ये एडजॉइंट बी की वैल्यू है यहाँ पर 9 - 8 - 7 - 6, ठीक है। तो यहाँ पर एडजॉइंट बी, तो ये आ गया बी इनवर्स, क्या आ गया, बी इनवर्स। अब जब बी इनवर्स आ गया तो अब हमको ज्ञात करना है क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्या निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम देखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स पहले लिखेंगे, तो -1/2 यहाँ पर है और 1/-4, तो ये तो 1/8 आ गया, चलिए 1/8 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि बी इनवर्स पहले लिखेंगे, ये 9 - 8 - 7 - 6, और ए इनवर्स यहाँ लिखेंगे, ए इनवर्स ये दिया गया है 0 - 1 - 4 - 3, चलिए अब गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1/8, ये 1/8, अब यहाँ गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 0 में, तो 0 हो जाएगा। अभी -8 का गुणा -4 में, तो -, तो 8 * 4 = 32, +32 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसका गुणा करेंगे 9 का गुणा + 32, अब 9 का गुणा 1 में, तो -9, ठीक है, और 8 का गुणा 3 में, तो 8 * 3 = 24, तो ये -8 है ना, तो -8 - 24 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस सात का गुणा जीरो में तो जीरो, फिर छह का गुणा माइनस चार में तो माइनस चौबीस, ठीक है। अब छह का गुणा माइनस चार में हुआ, माइनस सात का गुणा माइनस वन में तो सात, और छह का गुणा तीन में तो छह तिली अठारह। अब आप देखिए कि m1 अपान 8, यहाँ पर जो आपने गुणा किया था ए बी इनवर्स जो निकाला था वो क्या आया, बत्तीस माइनस तैतीस चौबीस पच्चीस आया, वन अपान एट, तो देखिए वन अपान एट आ गया, यहाँ बत्तीस आया, यहाँ तैतीस आ गया, यहाँ पर चौबीस आ गया, यहाँ पच्चीस आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रूव कर दिया, इसलिए आप ये दिखा देंगे कि ए बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रूव। ये आप दिखा दीजिए कि ये प्रूव हो गया कि एल एच एस बराबर आर एच एस। तो साफ कर लीजिए जल्दी से, क्रम से पहले हमने क्या किया, ए और बी दिया है तो ए बी ज्ञात किया, ए इंटू बी तो ए और बी का गुणा किया तो गुणा कर लीजिए, फिर ए बी आ गया, फिर डिटर्मिनेंट आप ए बी ज्ञात किया, फिर एडजॉइंट ए बी ज्ञात किया, फिर ए बी इनवर्स के लिए वन अपान, डिटर्मिनेंट आप ए बी और एडजॉइंट ए बी तो वन अपान आठ, और ये रख दिया ए बी इनवर्स हो गया। अब यहाँ के बाद डिटर्मिनेंट्स ए का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ज्ञात किया, फिर एडजॉइंट ए ज्ञात किया, फिर ए इनवर्स ज्ञात किया है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स बी ज्ञात किया, एडजॉइंट बी ज्ञात किया, फिर बी इनवर्स ज्ञात किया, और बी इनवर्स और ए इनवर्स का गुणा किया। जल्दी से कर लीजिए जरा, हो गया। यहाँ वन अपान एट एट ज्वाइंट ए बी इनवर्स निकालते से वन वन अपान एट बत्तीस माइनस तैतीस चौबीस और पच्चीस, यही वैल्यू यहाँ रखा गया, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, डिटर्मिनेंट्स बी की वैल्यू ज्ञात किया गया है चौवन माइनस छप्पन, इसमें गुणा किया गया है नौ छ का चौवन माइनस से छप्पन तो माइनस दो लिखा गया है, यहाँ माइनस दो है। उसके बाद एडजॉइंट बी ज्ञात किया गया है, एडजॉइंट जो बी ज्ञात किया गया है वो इसमें इस छह को ढकेंगे तो ये रो और ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो नौ, तो यहाँ पर है नौ। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जब लिखा गया तो हम इसको ढकेंगे, ठीक है, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो आठ, तो यहाँ पर माइनस आठ, फिर इसको लिखेंगे, इसको ढकेंगे तो इसको तो सात, तो माइनस सात और यहाँ पर छह, हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखा जाए, आइए आठ के बाद नौ नंबर। नौ में कह रहा है कि यदि ए बराबर दिया गया है, ए एक जो है ए आव्यू दिया है, दो कोटि का दिया है, दो क्रस दो का, कि दो पांच एक माइनस दो, दो पांच एक माइनस दो, ठीक है। और कहा जा रहा है दिखाइए कि ए इनवर्स बराबर, अब दिखाना है सिद्ध के करना है, सिद्ध क्या करना है दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बराबर एक बटा नौ, ठीक है, ए इनवर्स बराबर एक बटा नौ इंटू ए, ये दिखाना है।
तो चलिए हम पहले इसका ए इनवर्स ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए डिटरमिनेंट आप ए ज्ञात करेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट ज्ञात करें तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस चार, और फिर इसका इसमें तो माइनस पांच, तो माइनस नौ आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए, एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले समझिए। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए हम इसको ढकेंगे ए को वन, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस दो, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस दो। फिर अगर इसको ढकते हैं इस रो के लिए, इसका दूसरा, तो ये ढकेगा, ये एक, यहाँ पर आएगा माइनस, तो यहाँ माइनस न लिखकर यहाँ लिखा जाता है। अब जब इसको ढकेंगे तो ये भी माइनस आएगा, तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है पांच, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पांच, और जब इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो दो, तो यहाँ पर लिखेंगे दो, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट ए पता हो गया, जब एडजॉइंट ए पता हो गया तो ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए वन अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ए, तो वन अपॉन माइनस नौ, और यहाँ पर ये लिखा गया है माइनस दो माइनस पांच, माइनस दो माइनस पांच, और ये माइनस एक और दो, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस, तो एक बटा नौ, और यहाँ हो जाएगा दो पांच एक माइनस दो, और ये क्या था, ये तो यही है, ए ही है ना, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं एक बटा नौ और ए, तो यही राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, यही प्रूफ हो गया, प्रूफ यही करना था हमें, ठीक है। तो कर लीजिए प्रूफ जल्दी से इसे, ये प्रश्न नंबर नौ था। आइए प्रश्न नंबर दस देखते हैं। कहा जा रहा है कि ए एक आव्यूह है दो क्रॉस दो कोटि का, जो दो माइनस तीन, ये दिख रहा है नीचे, दो माइनस तीन माइनस चार और सात, दस नंबर। ए दिया गया है एक आव्यूह दो क्रॉस दो का, जिसमें लिखा गया है दो माइनस तीन, दो माइनस तीन चार, और माइनस चार सात, माइनस चार और सात, ठीक है। तो दिखाना है आपको, सिद्ध करना है कि टू ए इनवर्स, टू इंटू ए इनवर्स, ठीक है, और बराबर बराबर नाइन आई और माइनस ए, ये दर्शाना है आपको, ठीक है। तो चलिए इधर हो गया, नौ नंबर कर लिए आप लोग, चलिए आइए देखा जाए यहाँ पर दस नंबर, आप देखिए तो दस नंबर में कह रहा है कि टू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ज्ञात करना है सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड ही हम निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ए मार्ट डिटरमिनेंट्स आप ए ज्ञात करें पहले, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें कर दे, तो सात गुना के चौदह माइनस, तो माइनस चार में माइनस तीन का गुणा करेंगे तो बारह, तो बारह, तो ये दो आ गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए तो दो आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, तो एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए इसको ढकेंगे तो ये छोड़ दें तो सात आ गया, फिर इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ेंगे माइनस, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा इसको ढकने के बाद, तो ये प्लस चार आ जाएगा, और फिर जब इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ेंगे तो ये माइनस तीन, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस तीन होगा, और फिर इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ दें दो, तो ये तो एडजॉइंट ए हो गया। तो ए इनवर्स निकालना जाए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ए, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पर एक बटा दो और ये है एडजॉइंट ए, तो 7 3 4 2 ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया। तो इसमें कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड में कि 2A इनवर्स, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है कि 2A इनवर्स, इसका मतलब 2 गुणे ये 1/2 और ये 7 3 4 2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो यही आएगा ना, तो इसको समीकरण 1 कर दें, 2A इनवर्स आ गया। अब 2 इनवर्स A आ गया, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके आगे ज्ञात करेंगे 9i-a। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पर हम निकाल देते हैं 9i-a, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड, तो 9i-a, तो 9 × i के जगह पर 1001 लिखेंगे और माइनस a के जगह पर 2 -3 -4 और 7 लिखेंगे, जो a की वैल्यू दिया गया है। अब इसमें गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 9 -9 0 0 9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ को हो जाएगा 2 -3 -4 और 7। अब घटा दें तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7, 0 में से -3 तो 3, 0 में से -4 तो 4, 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो ये आ गया। अब देखिए कि यहाँ पर भी क्या है 7 3 4 2 7 3 4 2, इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड जब हमने देखा तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो प्रूफ हो गया। प्रूफ कर लीजिए जल्दी से, ये प्रूफ करना था। जल्दी से कर लीजिए, लग गया। चलिए देखा जाए अगला नंबर, ये 9 नंबर था, 10 नंबर, 10 नंबर में हमने देखा कि जो लेफ्ट साइड था वही आ गया राइट साइड में, तो 10 हो गया। 11 नंबर देखा जाए, 11 नंबर देखिए, दिया गया है कि ए एक आव्यूह जो दिया है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 ठीक है, और इसके द्वारा आपको दिखाना है कि a स्क्वायर -5a +7i बराबर 0, ये दर्शाना है ठीक है। चलिए हम लोग जो है पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए दिया है तो ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम इसको लिखेंगे ए इंटू ए, या इसको लिखेंगे ऐसे 3 1 -1 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3 1 -1 2, गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का गुणा 3 में 9, 1 का गुणा -1 में -1, 3 का गुणा 1 में 3, 1 का गुणा 2 में 2, 3 का -1 का गुणा 3 में -3, 2 का गुणा 1 में -2, -1 का गुणा -1 में तो -1, 2 का गुणा 2 में तो 4 ठीक है। अब ये आ गया कितना, तो यहाँ पर देखेंगे 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 3, ये आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ठीक है। अब हमको ज्ञात करना है 5a, तो 5a तो 5 × a, a का मान कितना है तो 3 1 -1 2, तो इसमें 5 का गुणा हो जाएगा तो 5 3 15 और ये 5 -25 और 5 × 10,
अच्छा सेवन आई, तो सेवन आई की जगह पर सेवन आई, सेवन आई हो जाएगा सेवन और यहाँ पर वन जीरो जीरो वन, तो ये हो जाएगा सात जीरो जीरो सात, ये सेवन आई हो गया। इसलिए अब इसमें रख दिया जाए ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई, ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान ये रख दें आठ पांच माइनस पांच और तीन और फाइव ए, तो माइनस फाइव ए, तो फाइव ए का मान है इतना पंद्रह पांच और माइनस पच्चीस और दस, ठीक है। और सेवन आई तो प्लस सेवन आई, तो सेवन आई का मान यहाँ पर सात जीरो जीरो सात, तो सात जीरो जीरो सात, यहाँ देखिए सात जीरो जीरो सात है, चमक रहा है, तो आप लिख लीजिएगा। अब इसको चिन्ह सहित जोड़ घटा देते हैं, आठ है माइनस पंद्रह है और प्लस सात है, और यहाँ पर पांच है प्लस पांच है माइनस पांच है प्लस जीरो, यहाँ माइनस पांच है माइनस माइनस प्लस पच्चीस हो जाएगा और यहाँ पर जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए ए स्क्वायर, अब चलिए यहाँ पर क्या है कि तीन है और यहाँ पर माइनस दस है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस सात, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जीरो आया, ये भी जीरो आया, ये देखा जाए तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, माइनस पांच, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर में जो यहाँ मान आया है तो इसका गुणा तीन में, तो माइनस तीन दो माइनस दो तो पांच, यहाँ माइनस पांच ए स्क्वायर आया है, फाइव ए, ए का मान यहाँ पर फाइव ए, तो ए का मान ये है ना तीन माइनस वन, तो तीन माइनस वन लिखना है, तो यहाँ पर माइनस पांच, ठीक है, और वन टू तो माइनस पांच, तो यहाँ पर पच्चीस नहीं बल्कि यहाँ माइनस पांच, तो माइनस माइनस मीटर प्लस पांच, ये जीरो और ये जीरो, सात तीन दस दस जीरो, तो ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जीरो आ गया, तो आप ये लिख लगे कि प्रूफ हो गया, प्रूफ कर लीजिए जल्दी से प्रूफ कर लीजिए। हो गया, चलिए बारह नंबर देखा जाए, आइए बारह नंबर देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ए दिया है एक आव्यूह तीन दो एक एक, तीन दो एक एक, ठीक है, और ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, ताकि दिया गया है कि ये भी एक संख्या है, ऐसा ज्ञात करना है कि जो दिए गए कंडीशन है उसमें क्या कंडीशन है, तो वो जरा लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए और प्लस बी आई बराबर जीरो हो, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं, तो तीन दो एक एक, तीन दो एक एक गुणा करते हैं, तो ये तीन के लिखे नौ, दो एकम दो, तीन गुना के छः, दो एकम दो, ये एक एक तीन, फिर देखे कम एक, एक दो एक दो, एक एक कम एक,
ए स्क्वायर का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 3। ये तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया। अब 9a, तो 9a ज्ञात करेंगे तो 9 × a 3 2 1 1, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 3 27 9 × 2 18 9 9, ठीक है। और है 9a नहीं, a into a, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a और ये 2a, यहाँ पर a और यहाँ पर a। अच्छा, अब bi, तो bi का मतलब 1 0 0 1, तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0b, ठीक है। अब इसमें रख दिया जाए तो रखने के बाद समीकरण मिलेगा और समीकरण को सॉल्व करके a और b का मान निकालना होगा। तो चलिए आइए इसी में रख दिया जाए। a स्क्वायर का मान है यहाँ 11 11 8 4 3 और प्लस a into a, तो ये कितना है, तो 3a 2a a और a, ठीक है। प्लस bi के जगह पर b 0 0 b, अब जोड़ देते हैं बराबर 0 है। इसका मतलब है कि 0 का मतलब 0 0 0 0 ऐसे है, ठीक है। चलिए अब देखा जाए कि यहाँ पर 11 और तो 11 + 3a + b, ठीक है। और यहाँ पर 8 + 2a + 0, यहाँ पर 4 + a + 0, 3 + a + b बराबर ये 0 0 0 0, ठीक है। अब ये अगर देखें यहाँ से तो 3a + b + 11 = 0, ठीक है। और यहाँ से देखें अगर तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 8 8 + 2a + 0 = 0, तो 2a = 8, तो a बराबर हो जाएगा, 2a = -8, तो a = -4, ठीक है। a = -4। अब b का मान निकालना है तो हम b के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 3 + a, चाहे इसी में रख देते हैं चाहे इसमें रख देते हैं, किसी एक में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो b का मान निकालना है तो इसी में रख देते हैं कि 3 + a + b = 0, तो a का मान -4, 3 - 4 + b = 0, तो b = 1, क्योंकि माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो b का मान 1 और a का मान -4। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, a और b का मान निकल जाएगा। हो गया, देख लिए। चलिए आइए देखा जाए 13 नंबर प्रश्न देखा जाए, थोड़ा लेंदी में। तेरह नंबर प्रश्न है कि a एक आव्यूह दिया है 1 1 1, ठीक है, 1 2 -3 और 2 - 1 3, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a²
और प्लस 5 ए प्लस 11 आई बराबर 0, ये दिखा रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यूब। तो पहले आइए ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए इसका वर्ग 1 1 1 1 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 3, फिर यहाँ पर 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 1 1 1 तो गुणा कर दिया जाए इसका, तो ये हो गया 1, फिर 1 का गुणा 1 में तो 1, 1 का गुणा 2 में तो प्लस 2, 1 का गुणा 1 में तो 1, 1 का गुणा 2 में प्लस 2, 1 का गुणा माइनस 1 में माइनस 1, 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा माइनस 3 में 3, 1 का गुणा 3 में प्लस 3, फिर 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा 1 में तो प्लस 2, माइनस 3 का गुणा 2 में तो माइनस 6, 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा 2 में तो प्लस 4, माइनस 3 का गुणा माइनस 1 में तो 3, फिर 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा माइनस 3 में माइनस 6, माइनस 3 का गुणा 3 में तो माइनस 9, अब ये 2 का गुणा 1 में तो 2, माइनस 1 का 1 में माइनस 1, 3 का 2 में तो 6, 2 का गुणा 1 में तो 2, माइनस 1 का 2 में माइनस 2, 3 का माइनस 1 में माइनस 3, 2 का 1 में तो 2, माइनस 1 का माइनस 3 में तो प्लस 3, और 3 का गुणा 3 में तो प्लस 9, ये ए स्क्वायर आ गया। लिखें 1 और 2 2 4 और 1 कट जाएगा तो 2, और ये 3 1 4 में से 3 जाएगा, 3 3 कटा तो ए, यहाँ पर हो जाएगा 6, 2 1 3 निकलेगा तो माइनस 3, 4 3 7 1 8, यहाँ पर 9 6 15, 15 में से 1 जाएगा तो माइनस 14, ये 2, यहाँ पर 6 2 8 में से 1 जाएगा 7, यहाँ पर 2 2 कटेगा तो माइनस 3, यहाँ पर 3 2 5 और 9 14, ये है ए स्क्वायर। तो ए क्यू निकालना है, ए क्यू निकालने के लिए ए तो 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14, ठीक है, और यहाँ पर 7 माइनस 3 14, और यहाँ पर ए लिखेंगे ये 1 1 1 और 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, चलिए गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 का गुणा 1 में 4, 2 का गुणा 1 में तो प्लस 2, 1 का गुणा 2 में प्लस 2, 4 का गुणा 1 में तो 4, 2 का गुणा 2 में तो 4, 1 का गुणा -1 में -1, फिर 4 का गुणा 1 में तो 4, 2 का गुणा 3 में तो -6, 1 का गुणा 3 में तो प्लस 3, अब ये -3 का गुणा 1 में तो -3, 8 का गुणा 1 में तो प्लस 8, और ये -14 का गुणा 2 में तो -28, अब -3 का गुणा 1 में तो -3, 8 का गुणा 2 में तो +16, और -14 का गुणा -में तो +14, और फिर -3 का गुणा 1 में तो -3, 8 का गुणा 3 में तो -24, और -14 का गुणा 3 में तो -42। फिर से देखेंगे, ये यहाँ पे लिखना है कि -3 का गुणा 1 में तो -3, 8 का गुणा -3 में तो -24, ठीक है, और -14 3 42 तो -42, ठीक है। अब यहाँ पर 7 का गुणा 1 में तो 7, -3 का गुणा 1 में तो -3, 14 का गुणा 2 में तो 14 गुणा 28, फिर 7 का गुणा 1 में तो 7, -3 का गुणा 2 में तो -6, 14 का गुणा -1 में तो -14, 7 का गुणा 1 में तो 7, -3 का गुणा -3 में तो +9, और 14 3 42, ठीक है। अब इसको जोड़ घटा दिया जाए तो ए क्यू निकल गया, तो यहाँ पर आया क्या ए क्यू, तो ए क्यू देखा जाए कितना आया, ए क्यू हम लिख लेते हैं 2 2 4 4 8, ए क्यू का मान आया यहाँ पर 8, और 4 4 8 में से 1 जाएगा 7, और 4 3 7 में से 6 जाएगा तो 1, यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा 5,
और पांच जो है 28 में से निकल जाएगा तो -23, और ये 14 और 16 20 30, 30 में से 3 जाएगा तो 27, और यहाँ पर सब जोड़ दीजिए 2, 4, 6, 3, 9, यहाँ पे 9, 4, 2, 6 तो 69 हो गया माइनस। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 7 में से 3 जाएगा 4, 28, 4 ये 32 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 14, 6, 20, 20 में से 7 जाएगा, यहाँ 13 हो गया माइनस, और ये 9, 7, 16, 16 और 42, 16, 42 तो 6, 48, 58 ये एक ही हो गया। अब देखिए 6a² तो 6a² निकालते हैं, यहाँ पर एक ही हो गया और 6a² यहाँ निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर आपको पता हो चुका है, इसी में 6 का गुणा करना है, तो 6 × 4 = 24, ठीक है, 6 × 3 = 12, 6 × 6 यहाँ पर 6 × 3 = 18 और 8 × 6 = 48 और 14 × 6 = 84 और 7 × 6 = 42, 7 × 3 = 21, 14 × 6 = 42, 6 × 3 = 18 -18 और 14 × 6 = 84, यहाँ पर 84, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 5a, तो 5a भी लिख लेते हैं यहाँ पर, यहीं पर 5a लिख ले क्या, 5a, ठीक है, तो 5a, तो 5, 5, 5, फिर 5 और 5 × 10, 5 × 15 माइनस, फिर 5 × 10 -5 और +15, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि इसमें रख दे 11i तो आप लिख ही देंगे, ठीक है, यहाँ पर अब ये लिख रहे हैं a³ - 6a² + 5a + 11i, इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं a³ की वैल्यू ये है 8, 7, 1 - 23, 27 - 69, 32 - 13, 58 और 6a² का मान लेते हैं, तो ये 24, 12, 6 - 18, 48 - 84, 42 - 18, 84, ठीक है, +5a यहाँ लिखते हैं 5, 5, 5 और 5, 10 - 15, 10 - 5 और 15 और +11i तो ये 11, 0, 0 और 0, 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 11। अब यहाँ पर रिजल्ट लिखा है, चलिए 8, 5, 13 और 11, 24, 24 में 24 गया तो 0, ठीक है, 24 में 24 गया 0। अब यहाँ पर देखिए 7, 7, 5, 12, 12 में से 12 गया 0। अब यहाँ पर है 1, 1 और 5, 6, 6 में से 6 गया 0 आया। अब देखिए यहाँ -23 है, ठीक है, और ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो +18, 18 और 5 = 23, तो 23 में 23 गया 0, यहाँ 27 और यहाँ पर है -48, 27 और 10 = 37, 37 और 11 = 48, 48 में 48 जाएगा 0। अब यहाँ -69, ठीक है, और ये माइनस माइनस +84 होगा, +84 यहाँ पर -15, तो 15 और 69 तो 9, 5, 14, 74 हो गया और ये 84 कट गया 0 आ गया। अब यहाँ 32 है, यहाँ माइनस माइनस 10, तो 32 और 10 = 42 में 42 गया 0, ये -13,
और 13 और माइनस 5 माइनस 18 माइनस 18 प्लस 18 जीरो। अब यहाँ पर 58 है, यहाँ 84 है, 58 ये और 15 ये, ठीक है, 58 और 15 73, 73 और 11 84, 84 84 गया जीरो। अब ये आ गया जीरो, इसका मतलब है कि जीरो हो गया, प्रूफ हो गया। जल्दी से प्रूफ कर लीजिए, लगा लीजिए जल्दी से। इसी प्रोसेस से आगे जो प्रश्न नंबर 14 दिया है वो भी ठीक इसी तरह का है, ऐसे ही 14 नंबर भी लगेगा, ठीक ऐसे ही 14 नंबर भी लगेगा, 14 नंबर। हो गया, आराम से कर लीजिए, आराम से। हो गया, हो गया। हो गया, चौदह नंबर देखेंगे आप, ठीक इसी तरह का प्रश्न है 14 नंबर। चौदह नंबर देखा यहाँ पर आप करके भी बोलेंगे बोलेंगे। आइए देखा जाए प्रश्न नंबर 14, 14 नंबर देख लेते हैं। दिया गया है 14 नंबर, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो देखें मैट्रिक्स क्या है, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, ठीक है, -1 2 1 -1 2 1, और दिया है -1 2 -1, और दिया है 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2। देख लीजिए दिया है कि 2 माइनस 1 1 -1 2 -1, ठीक है, और 1 माइनस 1 2। कहा जा रहा है कि तो सत्यापित करना है, क्या सत्यापित करना है, ये ए क्यूब -6a² ठीक है +9a³ - 6a² - 9a - 4i = 0, ये लाना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखा जाए
कैसे लगेगा इसको, तो पहले ए क्यू निकालना है तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालते हैं, 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 गुणा करते हैं 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 और 1 - 1 - 2। ठीक है, तो हम जो है इसमें गुणा करते हैं ए स्क्वायर। चलिए तो अब इसका गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा 2 में 2 दुना के 4, -1 का गुणा -1 में +1, 1 का गुणा 1 में +1, 2 का गुणा 1 में -2, -1 का 2 में -2, 1 का -1 में -1, 2 का 1 में 2, -1 का -1 में +1, 1 का 2 में तो +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1 का गुणा 2 में तो -2, 2 का गुणा -1 में -2, -1 का 1 में -1, -1 का -1 में तो 1, 2 का 2 में तो 4, -1 का -1 में तो ये हो जाएगा +1। अच्छा, -1 का 1 में तो -1, 2 का -2 में -2, -1 का 2 में -2। अब देखिए 1 का गुणा 2 में तो 2, -1 का -1 में 1, 2 का 1 में 2, -1 का -1 में -1, -1 का 2 में -2, -1 का 2 का -1 में तो -2, अब 1 का 1 में तो 1, -1 का -1 में 1, 2 का 2 में 4। अब ये ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर कितना आया देख लेते हैं, 4, 5, 6, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 2, 2, 4, 1, 5, 4, 5, 6, यहाँ पर 2, 2, 4, 1, 5, यहाँ पर 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 1, 5, और यहाँ 4, 5, 6, ये आ गया ए स्क्वायर। अब ए क्यू निकालेंगे, तो चलिए ए क्यू निकालते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए, ए क्यू बराबर, ठीक है, तो ए क्यू बराबर देखा जाए तो ए स्क्वायर है ये 6 - 5, 5 - 5, 6 - 5, 5 - 5, 6, और ए का मान है 2 - 1, 1 - 1, 2 - 1, 1 - 1, 2। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे तो ए क्यू, चलिए ए क्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर ए क्यू लिख देते हैं, ए क्यू, ए क्यू देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं ए क्यू, 6 का गुणा 2 में 6 गुना के 12, ठीक है, और फिर -5 का -1 में तो 5 एकम 5, फिर 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5, अब 6 का गुणा -1 में -6, -5 का 2 में -10, 5 का गुणा 1 में -5, अब 6 का गुणा 1 में 6, -5 का -1 में +5, और 5 का गुणा 2 में +10। चलिए अब -5 का 2 में -10, 6 का 1 में -6, -5 का गुणा 1 में तो -5, अब -5 का गुणा -1 में तो 5, 6 का गुणा 2 में 12, और -5 का गुणा -1 में तो +5, अब -5 का गुणा 1 में -5, 6 का गुणा -1 में -6, -5 का गुणा 2 में तो -10। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि 5 का गुणा 2 में 5 दुना के 10, -5 का -1 में +5, 6 का गुणा 1 में तो +6, अब 5 का गुणा -1 में -5, और -5 का गुणा 2 में -10, 6 का गुणा -1 में -6, 5 का गुणा 1 में तो 5, -1 का -5 में तो +5, और 6 का गुणा 2 में तो 6 दुना के 12। अब ए क्यू यहाँ लिख लेते हैं, चलिए ए क्यू यहाँ लिख लिया जाए, तो ए क्यू क्या है, ए क्यू यहाँ पर ए क्यू देखा जाए, ए क्यू क्या है, ए क्यू है 12, 10, 22, ठीक है,
और ये 6, 10, 16, 5, 21 माइनस 21, 6, 5, 11, 10, 21 प्लस 21, यहाँ पर है 16, 5, 21 तो माइनस 21, यहाँ पर है 12, 5, 17, 5, 22 यहाँ पर है 16, 5, 21 माइनस 21, यहाँ पर है 10, 5, 15, 6, 21 यहाँ पर है 16, 5, 21 माइनस 21, यहाँ पर 5, 5, 10, 12, 22 ये ए क्यूब है और ये 6a² तो 6a² तो 6a² तो चलिए अब ये डायरेक्ट तो हम रख देते हैं, ए क्यू जब आ गया है तो सब मान रख देते हैं इसी में, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a-4i ठीक है, तो इसी में मान रखते हैं, ए क्यू का मान ये रख देते हैं 22 - 21 + 21 - 21 - 22 - 21 - 21 और 22 ये ए क्यू है और माइनस 6a². चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसी में 6 का गुणा कर दें तो 6 का गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा -30, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 30 -30, यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा -30, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा -30, यहाँ पर हो जाएगा 6 का गुणा होगा तो 36, 6 का गुणा हो रहा है ठीक है। अब यहाँ पर क्या है प्लस 9a तो 9a तो a में 9 का गुणा, 9 दुना 18 फिर -9 फिर 9 और यहाँ पर -9, यहाँ पर 9 दुना 18 फिर -9, यहाँ पर 9 - 9 और 9 दुना 18 ये 9 है, -4i तो -4i की जगह पर 4000400004 ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर है +22 ठीक है और 18, तो 22 और 18 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 40 और 36 और 4 40 तो 0 आ गया, क्लियर है। यहाँ देखिए -21 है ठीक है, -21 और यहाँ पर है -9 तो 30 हो गया ना, 30 और ये +30 0 हो गया। अब यहाँ पर 21 और 9 30 -30 0 ठीक है, यहाँ देखिए -21 और -9 30 30 0, यहाँ पर है 22, यहाँ पर है 22, यहाँ पर है 18 40 और 36 और 4 40 0, यहाँ पर है -21 -9 -30 और ये 30 0, तो इसी तरह ये सब 0 0 आ गया ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रूव हो गया, अतः ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a-4i बराबर क्या 0, तो कर लीजिए जल्दी से, हमने डायरेक्ट मान रख दिया है आप भी रख सकते हैं ठीक है, कर लीजिए जल्दी से इसे। उम्मीद है कि अब तो साफ हो जाएगा, जल्दी से कर लीजिए। हो गया, लगा लेंगे ना सभी लोग। चलिए आइए अगला नंबर है 15 नंबर, देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर
और भी जितने भी दोस्त तैयार हैं आप लोगों के, सबसे आप बताते रहिए। अगर आप एक दिन में एक एक लोगों को भी आप बताते हैं तो बहुत बता देंगे। और जब तक आप बताएंगे नहीं, इसको कोई जानेगा नहीं कि कहीं पढ़ाया भी जा रहा है किसी चैनल पे, ठीक है? तो आप बताएंगे, आप देख रहे हैं, आप ही बताएंगे तभी लोग जानेंगे ना। और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद रखेंगे कि आप लोग जो है ईमानदारी से जो है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए देखा जाए 15 नंबर, 2x2 यानी 2×2 कोटि का एक आव्यूह है और वह x है, तो x को ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है। क्या दिया है? तो देखिए, एक आव्यूह है ऐसे 1, ठीक है, 1-4 और 3-2, ये एक आव्यूह है, और इनटू x, x एक आव्यूह है, बराबर दिया है कि यह जो है आव्यूह -16 और 6 -6 और 7.2 इस आव्यूह के बराबर है। तो ये x नहीं पता है, x 2x2 का है, इतना पता है कि 2x2 का आव्यूह है। तो 2x2 का आव्यूह है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2x2 का आव्यूह, यहाँ 1-4 है और 3-2 है, यहाँ पर -16, -6, 7 और 2 है। चलिए तो अब यहाँ पर देखा जाए, ये x नहीं पता है तो हम x मान लें, x ऐसे मान लेते हैं a b c d, हमने ये मान लिया x का मान। अब यही a b c d का मान निकालना है, चारों मान निकल जाएगा बस साफ हो जाएगा। चलिए चारों मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखा जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं, a दिया है 1-4, 3-2, ये a, और यहाँ पर है a b c d, ठीक है, और बराबर इधर दिया गया है क्या, तो इधर दिया है 16-6, 7 और 2, गुणा करते हैं। तो चलिए पहले इधर गुणा कर लें लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद उधर चला जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम गुणा करते हैं, तो देखिए गुणा किया जाए तो इसका गुणा करते हैं, तो इसमें गुणा करेंगे, एक का गुणा a में तो a हो जाएगा, -4 का c में तो -c हो जाएगा, 4c हो जाएगा। अब एक का गुणा b में तो ये b हो जाएगा, -4 का d में तो -4d हो जाएगा, ये 3 का गुणा a में तो 3a होगा, और -2 का गुणा c में तो -2c हो जाएगा। अब 3 का गुणा b में तो 3b हो जाएगा, -2 का गुणा d में तो ये हो जाएगा -2d हो जाएगा, बराबर ये दिया गया है 16-6, 7 और 2, ठीक है। अब चलिए ये इसके बराबर है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे a-4c = 16, ठीक है, और b-4d बराबर दिया है -6। अच्छा यहाँ -16 था तो -16, अब यहाँ पर क्या है, ये -16 बना लीजिएगा, यहाँ पर है 3a-2c = 7, और यहाँ पर है 3b-2d = 2, तो ये 4 समीकरण मिल गए हैं, ठीक है। तो चारों समीकरणों को सॉल्व करके a b c d का मान निकालना है, कैसे निकलेगा a b c d का मान, तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे a b c d का मान। तो देखिए यहाँ पर a और c का मान दिया, तो यहाँ पर a और c है, यहाँ पर a और c, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ए सी का मान निकल जाएगा, क्लियर है? तो चलिए इन दोनों से ए और सी का मान निकालते हैं, तो समीकरण एक व तीन से एक और तीन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एक ये है, तीन ये है, तो a माइनस फोर सी, और यहाँ पर है 3a-2c, तो अब इसमें तो 2 से गुणा कर दें या तो इसमें 3 से गुणा कर दें, तो पहले में 3 से गुणा करेंगे तो 3a-12 = -48 होगा। अच्छा इसको इसी तरह रख दें तो 3a और -2c, ठीक है, -2c, ये 12c है और बराबर है 7, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो
तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो गया, 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो ये 10c माइनस हो जाएगा, बराबर हो गया 48, तो ये 41 जाएगा ना, 7 जाएगा 48 में से तो 41 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 3 था, तो 16 में 3 का गुणा करेंगे तो 48, 16 3 48, 7 ये माइनस है और माइनस ये भी है, तो 8 7 15, तो और ये हो जाएगा 55, तो माइनस 55 हो गया, तो ये कट जाएगा, तो C बराबर आ गया 55 बटा 10, यानी 11/2, C का मान 11/2 आ गया, ठीक है। अब C का मान 11/2 आ गया, तो इसमें रख दें A का मान निकल जाएगा, तो इसी में रख दें, तो A माइनस 4 गुणे 11/2 बराबर माइनस 16, तो ये A का मान हो जाएगा, तो A बराबर माइनस 16 और माइनस 10 जाएगा तो प्लस, ये 2 × 4 11 × 22, तो प्लस 22, 22 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा 6, तो A का मान 6 और C का मान 11/2 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर दूसरा और चौथा लेकर सॉल्व करें, दूसरा समीकरण दूसरा व चौथा से अगर सॉल्व करें तो देखिए बी डी और बी डी में है, तो यहाँ पर बी माइनस 4d है, पहले में बी माइनस 4d बराबर दिया है माइनस 6 और इसमें दिया है 3b माइनस 2d, तो 2 से गुणा कर दें, 2 × 6 2 × 3 6 6b और माइनस 4d बराबर 2 × 4, ठीक है। घटा दें तो चिन्ह बदल जाएगा, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो अब यहाँ पर माइनस ये कट जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस 5b बराबर माइनस 10, तो b बराबर हो जाएगा 2, तो b का मान 2, जब b का मान 2 आ गया तो b का मान किसी एक समीकरण में इसी में रख देते हैं, तो 2 माइनस 4d बराबर माइनस 6, तो 4d बराबर माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 4d, तो d बराबर हो जाएगा 8 में 8/4, यानी कितना हो जाएगा -8/4, तो माइनस 2। इसलिए जो x का आव्यूह है वो आया क्या a, तो a का मान कितना आया है, a का मान आया है 6, b यहाँ पर x a b c d, तो b का मान आ गया 2 और c का मान कितना आया, तो c का मान 11/2, ठीक है, और d का मान कितना आया, तो d का मान -2, तो ये हो गया x, सॉल्व कर लीजिए, ये x की वैल्यू है, ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, ये 15 नंबर था। हो गया, हो गया। चलिए अब आ जाइए 16 नंबर, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, देखिए प्रश्न नंबर 16। में क्या है कि दिया गया है कि a एक आव्यूह जो है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा, और है माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये जो है आव्यूह है,
तो दिया गया है कि इसको सिद्ध करना है कि ए टी का इनवर्स, इसका मतलब ये ट्रांसफर, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, और उसका इनवर्स कर दिया जाए, तो ये बराबर होता है ए इनवर्स का ट्रांसफर। तो चलिए पहले हम जो है ए ए का ट्रांसफर निकाल लेते हैं। तो ए दिया है तो ए टी अगर निकालेंगे तो ए टी क्या हो जाएगा, तो कास थीटा और साइन माइनस साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और साइन थीटा यहाँ आएगा और कास थीटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इनवर्स निकालना है तो ए टी का पहले डिटरमिनेंट्स निकाल लिया जाए, तो डिटरमिनेंट्स इसका इसमें गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा, अभी माइनस करके इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन आ गया ना। अब एडजेसेंट ऑफ ए निकालेंगे, ए ट्रांसफर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसको ढक दें तो ये बचेगा, इसको इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, और जब इसको ढकेंगे तो ये बचेगा, लेकिन माइनस लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन थीटा, ठीक है। और फिर जब इसको ढकेंगे तो इसको इसको छोड़ना है तो ये बचेगा, लेकिन माइनस लिखा जाता है माइनस है ही तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा, और फिर इसको ढकेंगे तो ये छोड़ दे तो कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया एडजेसेंट। अब ए ट्रांसफर का इनवर्स निकालना है तो ये तो वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और यहाँ पर एडजेसेंट ऑफ ए ट्रांसफर, तो अब इसे ही लिख दें तो वन अपॉन वन, और इसे लिख दिया जाए तो कास थीटा और साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ पर कास थीटा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। अब देखिए कि इसके अतिरिक्त अब दूसरा निकालना है ए इनवर्स, तो पहले ए इनवर्स निकाला जाए, तो एडजस्टेड डिटरमिनेंट्स आप ए निकालेंगे तो इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट्स आप, तो ए तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो वन ही आएगा। सॉरी अब यहाँ पर देखेंगे कि एडजस्टेड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको ढकेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा कॉस थीटा यहाँ पर लिखेंगे, और जब इसको इसको ढकेंगे, ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे ये साइन आएगा तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और जब इसको ढकेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर साइन थीटा होगा, और जब इसको ढकेंगे तो यहाँ कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है कि ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स तो वन अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, तो चलिए वन अपॉन वन और ये लिख दें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा। अब इसका ए इनवर्स का ट्रांसफर निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा और यहाँ जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा क्या कॉस थीटा। अब ये देखा जाए और ये देखा जाए, दोनों देखिए ये भी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस है, ये भी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस है, अतः इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसफर का इनवर्स बराबर है ए इनवर्स का ट्रांसफर, यही प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है कि आज एक एक प्रश्नों का हमने सॉल्व किया, ये तो थोड़ा लेंदी था लेकिन अभी इससे भी लेंदी अगले वाले चैप्टर में है, अगले वाले चैप्टर में इससे भी लेंदी लेंदी प्रश्न है, ये 7-8 नंबर में ही प्रश्न आते हैं, और आपके लिए नंबर उठाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर ये एक एक चीज पता रहेगा तो आप बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हैं, लेकिन इसमें लेंदी है, समय लगता है, आखिर समय लगता है तभी तो 7-8 नंबर का प्रश्न पूछ जाते हैं, 1-2 मिनट में थोड़ी लग पाएगा कि जल्दी से ना कोई कर लेगा, समय लगेगा ही, और थोड़ा धैर्य रखकर घबरा कर नहीं,
वरना जो है कहीं पर भी अगर माइनस या प्लस में गलती हुआ तो आप गलत कर जाएंगे। जब हम लोगों से गलती हो जाती है तो आप लोग तो जो है अभी सीख रहे हो, आप लोग अभी सीख रहे हो, इसलिए बहुत धैर्य से सीखना है और घबराना नहीं है। एक दो दिन में नहीं, समय लगता है, नो डाउट, प्रैक्टिस करते करते आपको भी आ जाएगा। आप अन्य दोस्तों यारों से जो आपके क्लासमेट हैं उनसे भी बताइए कि क्लास चल रहा है और ज्वाइनिंग कर लें, ताकि उनको भी शुरू से ही जो है लाभ मिले। अच्छा, जितने लोग नए हैं, जिनको जो है पीछे का क्लास नहीं कर पाए हैं, छूट गया है, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप केवल टॉपिक लिखकर भेज दीजिए कि इसका जो है क्लास हम नहीं कर पाए हैं, तो उसका वीडियो जो है, उसकी क्लास का वीडियो हम आपको लिंक भेज देंगे, उस पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। सभी के सभी एक्स वाई जेड सब भेज देंगे, जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हम भेजते जाएंगे, जितने लोगों का छूटा है पीछे का। तो कल मुलाकात होगी, तो इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।